मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि एमएसपी को बढ़ाने और किसानों को एमएसपी देने के मामले में बीजेपी सरकार कांग्रेस के मुकाबले दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरती। खुद सरकारी आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी सरकार के मुकाबले कांग्रेस कार्यकाल के दौरान एमएसपी में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई। बीजेपी ने सिर्फ एमएसपी बढ़ोतरी की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया और किसानों को घाटे में धकेला। यही वजह है कि आज हरियाणा समेत पूरे देश का किसान आंदोलनरत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आवास पर किसानों की मांगों और समस्याओं को सुन रहे थे। इस मौके पर हुड्डा ने एमएसपी के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2004-05 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो गेहूं का रेट सिर्फ 640 रुपए था। इसमें दोगुने से ज्यादा बढ़ोतरी करके कांग्रेस ने 1450 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंचाया, यानी कांग्रेस ने रेट में 126.5% बढ़ोतरी की। लेकिन बीजेपी के पूरे कार्यकाल में आज तक गेहूं के रेट में सिर्फ 51.7% की ही बढ़ोतरी हुई है, यानी कांग्रेस के मुकाबले आधी से भी कम। इसी तरह धान की बात की जाए तो कांग्रेस ने 560 रुपए रेट में 2.5 गुना बढ़ोतरी करके इससे 1360 रुपए किया, यानी कांग्रेस ने रेट में 143% बढ़ोतरी की। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले आधे से भी कम 60% बढ़ोतरी की। कपास की बात करें तो कांग्रेस रेट को 1760 से बढ़ाकर 4050 रुपए किया, यानी 130% की बढ़ोतरी। लेकिन बीजेपी ने आज तक सिर्फ 53.7% की बढ़ोतरी की। बाजरा के रेट में कांग्रेस ने 143% तो बीजेपी ने सिर्फ 100%। सूरजमुखी की एमएसपी में कांग्रेस ने 180% तो बीजेपी सिर्फ 70.6% की बढ़ोतरी की। राज्य सरकार के भाव की बात करें तो कांग्रेस सरकार से पहले 2005 तक गन्ने का भाव सिर्फ 117 रुपए था। 2.5 गुना से ज्यादा यानी 165% बढ़ोतरी करके कांग्रेस ने रेट को 310 रुपए किया था। लेकिन बीजेपी ने आज तक रेट को सिर्फ 386 रुपए किया है, यानी मात्र 24.5% की बढ़ोतरी की है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।